हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड। उसका फर्दर पार्ट देखेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमें एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपको बताए गए हैं, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिफरेंट स्पेसिस को पढ़ा था, तो यहाँ पर फ्यू एक्सटिंक्ट रियर या इंडेंजर्ड स्पेसिस जो है उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें इस पोस्टर में दिए गए हैं। आगे का हमारा टॉपिक है एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। ये हमारी एक्सटिंक्ट स्पेसिस का एग्जाम्पल था, मतलब ऐसी स्पेसिस जो अब खत्म हो चुकी हैं। तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल द चीता, लैंड मैमल, मैमल मतलब जो एक बच्चे को जन्म देता है, ऐसा फास्टेस्ट लैंड मैमल की बात करें, ऐसा जानवर जो था वो चीता था। इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज मेंबर ऑफ कैट फैमिली। कैट फैमिली में कंसिडर किया जाता है चीता को, और एक यूनिक और स्पेशलाइज मेंबर माना जाता है, माना जाता था। एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। और उसकी स्पीड अगर देखें तो वो 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लियोपार्ड। और चीता को बहुत बार हम एक लियोपार्ड की तरह भी देख सकते हैं या कहते हैं। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स दैट द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ। और उनमें ये जो समानता थी या डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो एक चीज से, कि उनकी लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप की लाइन्स जो है ईच साइड में उसके नोज की बनी होती थी, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ, आंखों से लेकर माउथ तक में। प्रायर टू ट्वेंटी सेंचुरी के पहले तक चीताज जो थे वे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन थी थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। टुडे आज की बात करें तो एशियन चीता नियरली एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। उनके प्रॉपर खाने के लिए, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, और प्रे मतलब उनका पेट भरने के लिए उनका लगने वाला जो उनका शिकार है वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाया, इसलिए आज एशियन चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की कमी हो गई। स्पेसिस जो है वो डिक्लेयर की गई एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक ऑफ 1952 में ही उनकी स्पेसिस इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई थी, ऐसा कहा गया। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? हमने पहले भी पढ़ा था, जो स्पेसिस के एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें हमने देखा था नेगेटिव फैक्टर इस तरह से अगर इंक्रीज होते रहे तो ये पॉपुलेशन कम होते जाएगी फ्लोरा एंड फ्यूना की। तो ऐसे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो डिप्लीट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं फ्लोरा और फ्यूना को? If you look around, अगर आप अपने आसपास देखते हैं, you will be able to find out how we have transformed nature into resources obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपने किस तरह से नेचर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है या टर्न कर दिया है सोर्सेस के अंदर, जहाँ से आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का यूज करके रिसोर्सेज बना रहे हैं। वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉर्डर, मैन्यूअर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग ये चीज़ें फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ से ही ले रहे हैं। सो इट इज़ वी आवरसेल्फ हु हैव, तो ये हम खुद हैं जो डिप्लीट कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ग्रेटेस्ट डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडियन फॉरेस्ट पे वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लिक्टेड कब हुआ? जब से कॉलोनियल पीरियड लगा था, ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के बाद ही हमारे यहाँ ये सारी चीज़ों का एक्सपेंशन हुआ या बढ़ी ये चीज़ें, जैसे रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज़। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपांशन जो था वो कंटिन्यू हुआ और एक मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन बना हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। बिटवीन 1951 एंड 1980, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे, जो एक फॉरेस्ट सर्वे किया गया था इंडिया में, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया जो था वो कन्वर्ट हो चुका था एग्रीकल्चरल लैंड में ऑल ओवर द इंडिया। मतलब हमने उतना फॉरेस्ट को कट करके वो उसे हमने एग्रीकल्चरल लैंड बना दी। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स, जो ट्राइबल बेल्ट्स का सब्सटेंशियल पार्ट था ट्राइबल बेल्ट्स का, स्पेशली मतलब नॉर्थ ईस्टर्न या सेंट्रल इंडिया का, वो डीफॉरेस्टेड हो गया और पूरी तरह से डिग्रेड हो गया, क्योंकि वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब झूम कल्टीवेशन किया गया, एक टाइप ऑफ स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर होता है। मतलब वहाँ पर उस जगह को पूरी तरह से कह सकते हैं बर्न कर देते हैं, और देन उसे साफ करने के बाद में वहाँ पर आगे की चीज़ होती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स या और चीज़ें करनी है वो। तो उसके कारण उतना जो एरिया था, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स का एरिया नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का, वो डिफॉरेस्टेड हो गया या डिग्रेड हो गया। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम?
इसके लिए कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज को ब्लेम किया जा सकता है क्या? तो सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज से दैट प्रमोशन ऑफ फ्यू फेवर्ड स्पेसिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज बिन कैरिड थ्रू द आयोनिकली टर्म एनरिचमेंट प्लांटेशन इन विच अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पेसिस वॉज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पेसिस एलिमिनेटेड. तब कुछ हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थे, एनवायरमेंट को जो आगे बढ़ाना है, किस तरह से एनवायरमेंट का ख्याल रखना है, उन लोगों का कहना था कि अगर कुछ फेवरेट स्पेसिस को ही प्रमोट करें, मतलब कुछ ऐसी स्पेसिस प्लांट्स की कि बस यही लगाएं, इससे हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे को अगर हम प्रमोट करेंगे मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ऐसा हुआ तो इसके कारण क्या होगा, आयनिकली इसे टर्म किया गया एनरिचमेंट प्लांटेशन, मतलब पर्टिकुलर इस चीज को ही प्लांट करना है जिससे हमें बहुत ज्यादा कुछ मिल सकता है. तो एनरिचमेंट प्लांटेशन दिया गया जिसमें एक सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पेसिस, मतलब ऐसी सिंगल स्पेसिस लगाई गई, ऐसा एक पौधा लगाया गया, एक ही टाइप का पौधा जो आपको वैल्यूएबल दे सके या वैल्यू दे सके, जिससे कुछ पैसा मिल सके, वो एक्सटेंसिवली प्लांट किया गया, मतलब ऑल ओवर हर जगह वही प्लांट किया गया और अदर स्पेसिस को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया या हटा दिया. फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया एंड चीर पाइन. और फिर अगर बात करें तो टीक मोनोकल्चर जब हुआ, टीक ट्रीज जो होती है उनका मोनोकल्चर किया गया, तो उसके कारण डैमेज हुआ नेचुरल फॉरेस्ट में साउथ इंडिया के. और चीर पाइन मतलब पाइनस रेक्सिबुर्गिल रेक्सिबुगी जो होता है प्लांटेशन इन हिमालयाज, वो रिप्लेस कर दिया उन्होंने हिमालयन ओक को भी और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट्स को भी. मतलब कह सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलरली एक ही चीज लगाओगे तो एक लिमिट के बाद में डैमेज कर सकती है आपकी लैंड को. तो इसी तरह से हुआ साउथ इंडिया में नेचुरल फॉरेस्ट डैमेज हुआ टीक मोनोकल्चर की वजह से. और चीर पाइन जो था, चीर पाइन का प्लांटेशन जो था हिमालयाज में, उन्होंने रिप्लेस कर दिया हिमालयन ओक को. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1951 से ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो था वो क्लियर हो गया था फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. क्लियरिंग जब हुआ फॉरेस्ट का वो स्टिल कंटिन्यू हुआ विद द प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, जिसमें इन अनडेड किया गया 40,000 हेक्टर्स को फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट को हटा दिया गया सिर्फ ये नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बनाने के लिए. माइनिंग एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर था डिफॉरेस्टेशन के पीछे, मतलब प्लांट्स को कटिंग या फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करने का एक रीजन माइनिंग भी था. बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल, ये सीरियसली थ्रेटन हुआ बाय द ऑन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग. मतलब ये जो टाइगर रिजर्व बनाया था वेस्ट बंगाल में, इसे खत्म कर दिया गया है, थ्रेटन में आ गया था क्योंकि वहां पर डोलोमाइट माइनिंग होने लगी थी और इसने डिस्टर्ब कर दिया था नेचुरल हैबिटेट को बहुत सारे स्पेसीज के और ब्लॉक कर दिया था माइग्रेशन रूट को सेवरल अदर स्पेसीज के, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट. मतलब ग्रेट इंडियन एलिफेंट भी माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह और यहाँ पर भी बहुत सारे अदर एनिमल्स या स्पेसिस जो थी वो आती थी टाइगर रिजर्व में, लेकिन ये जो डोलोमाइट माइनिंग की प्रोसेस हुई उसके कारण बहुत सारी स्पेसिस वहां पर आना रुक गई या ब्लॉक हो गई. मैनी फॉरेस्टर्स और एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने एक व्यू दिया दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन. मतलब एक और ये था कि फॉरेस्टर्स और एनवायरमेंटलिस्ट ने जब स्टडी की तो उन्हें एक और चीज लगी कि फॉरेस्ट को डिग्रेड होने में एक और फैक्टर उसके पीछे जिम्मेदार है और वो है ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन. वुड कलेक्शन मतलब वुड अगर आपको लग रहा है एज अ फ्यूल तो आप वुड कटिंग, मतलब उसके लिए फॉरेस्ट की कटिंग करोगे तब वुड मिलेगा. दूसरा ग्रेजिंग, अगर ओवर ग्रेजिंग या चरने के लिए आप जानवरों को वहाँ छोड़ते हो तो भी फॉरेस्ट एक तरह से डिप्लीट हो रहा है. दो देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट Yet the fact remains that the substantial part of the fuel fodder demand is met by looping rather than by felling entire trees. और उनका ये जो कहना था, ये जो मानना था, उनकी जो argument थी, कुछ substance जो थे उनके argument में, वो अभी भी in fact वैसे के वैसे ही थे. Substantial part जो है fuel fodder demand का, वो looping कर रहा था rather than filling entire trees. पूरी trees बनने के पहले ही इस तरह से fuel के लिए fodder लगने वाला था और ये सारी चीजें हो जाती थी. Forest ecosystems जो थे वो repositories हो चुके थे कुछ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज जो मीट करते थे डिमांड्स को बहुत ही रैपिडली एक्सपांड
जिसके कारण रैपिडली एक्सपांडिंग हुआ इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी में, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज इसीलिए डिफरेंट थिंग्स जो थे डिफरेंट पीपल्स को देखने को मिली, दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज थे, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद बन गई क्योंकि उन्हें अलग अलग चीज़ें वहाँ से मिल रही थी, और इसीलिए ये फर्टाइल ग्राउंड जो था या इतनी अच्छी जमीन जो थी ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गई या मुश्किल में आ गई। हिमालयन यू इन ट्रबल्स। हिमालयन यू टैक्सस वॉल्केनिया इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है जो वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। केमिकल कंपाउंड जिसे टैक्सोल कहा जाता है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस प्लांट की या इस ट्री के बार्क से। नीडल्स ट्विग्स और रूट्स ऑफ द ट्रीज, मतलब इसके बार्क में भी है, नीडल ट्विग्स और रूट्स में भी है इस ट्री के ये केमिकल कंपाउंड, और ये सक्सेसफुली यूज किया जाता है कोई कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए। ड्रग जो है अभी बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग बन चुका है वर्ल्ड में, जो ये ट्री से हमें मिलता है। स्पेसिस जो है अंडर ग्रेट थ्रेट है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब जो कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है तो इसका ओवर यूज होने लगा है, जिसके कारण ये स्पेसिस अब बहुत ही ज्यादा डेंजर इसमें आ गई है, डेंजर जोन में आ गई है। लास्ट वन डिकेड से, मतलब पिछले 10 सालों से, थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। मतलब 10 साल की डिकेड में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ यू की जो ट्रीज थी वो सूख चुकी हैं या सूख गई हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। देख सकते हैं डायग्राम में बताया, ट्राइबल गर्ल्स बाम्बू का यूज कर रही है सैपलिंग करने के लिए इन नर्सरी एट मुखानी नियर साइलेंट वैली। यहाँ पर ट्राइबल वुमन सेल कर रही है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, और लीफ लिटर कलेक्शन हुआ है वुमन फोक के थ्रू। ये हमें बताया गया है किस तरह से काम हो रहे हैं, क्या का काम कहाँ पर होते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।